हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू टिप्स डॉट कॉम मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरभजी सिंह आज हम करने वाले हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर को कंटिन्यू जिसका हम टॉपिक कर रहे थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जिसका हमने एक वे अंडरस्टैंड कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में और फोर वे, वे पेंडिंग है जिसको हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में आज हम सेकेंड वे कवर करने वाले हैं सो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड वे है हमारे पास वेन टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इस मेथड में हम क्या करते हैं जो टोटल कैपिटल होती है रिमेनिंग पार्टनर्स की उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द ऑल पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओके वो कैसे करनी है उसको हम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं पहला स्टेप है हमारे पास हम करेंगे कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स जो भी डेट ऑफ रिटायरमेंट पे एडजस्टमेंट करनी होती है गुडविल का लेन देन होता है या कुछ भी है आ, एसेट की रिवेल्यूशन जो लाइबिलिटीज़ है उनकी रीसेसमेंट वो सब कुछ करने के बाद हम सारी एडजस्टमेंट मीन करने के बाद जो रिवेलूशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं और जो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मंग द पार्टनर या फिर कोई एसेट्स है उसको हम राइट ऑफ करते हैं वो सारा कुछ करने के बाद जो एडजस्टेड कैपिटल निकती है वो हम कैलकुलेट करेंगे इन फर्स्ट स्टेप में ओके सेकेंड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो नवी फर्म बन रही है उसकी टोटल कैपिटल कितनी होगी वो कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे हम उसका फॉर्मूला है एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स जितने भी हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं एक दो है चार हैं पांच है जितने भी हैं उन सारी के कैपिटल का हम टोटल लगा लेंगे और टोटल लगाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म अब थर्ड स्टेप में हम करेंगे कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर बाय डिवाइडिंग टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जितनी भी हमने टोटल कैपिटल कैलकुलेट की है सभी पार्टनर्स के एग्रीगेट करने के बाद उसको हम न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फोर्थ स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे सरप्लस कैपिटल या फिर डेफिशियट कैपिटल जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी जो एडजस्टेड कैपिटल थी उसमें से हम जो न्यू कैपिटल है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास सरप्लस कैपिटल या फिर डेफिशट कैपिटल निकल के आ जाएगी और फिफ्थ स्टेप में हम करेंगे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जिस सरप्लस कैपिटल की और डेफिशिट कैपिटल की जो भी कैपिटल सरप्लस होगी उसकी हम पेमेंट करेंगे कैप पार्टनर को तो सरप्लस कैपिटल को हम करेंगे जो जो भी पार्टनर है उसकी कैपिटल को हम करेंगे डेबिट और कैश या बैंक से हमारे पैसे जाएंगे उसको हम कर देंगे क्रेडिट और जिसकी डेफिशिट कैपिटल होगी उससे हम कैश रिसीव करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा जब बैंक में पैसे आएंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू कर देंगे जितनी भी जिसकी भी कैपिटल हो उसकी कैपिटल काउंट को ओके तो इजी है जे भी मैथड कैलकुलेट करने का इतना मुश्किल काम नहीं है थोड़ा सा डिफरेंस इसमें यही है कि हमने जो भी एग्रीगेट कैपिटल कैलकुलेट करनी है उसको न्यू प्रोफिटेशन रेशियो में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है चलिए और अच्छे तरीके समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं हम टी एस की बुक से X, Y, and Z were partners sharing profit and loss in the ratio of 4 is to 3 is to 2 respectively. Y retired on 1st April 2019. On which date of the capital of X, Y, Z after all adjustments stood at INNA respectively. Capital of the reconstitutional firm will be readjusted by bringing in or paying cash so that the future capital of X and Z be in their future profit sharing ratio. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड और टू बी बॉट इन बाय द कंटिन्यूइ पार्टनर्स तो ईजी सी इलेट्रेशन है हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल और ऑलरेडी गिवन है तो फर्स्ट स्टेप हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है सेकेंड स्टेप में हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे और उसको हम न्यू प्रॉफिट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसके बाद एडजस्टेड कैपिटल से न्यू कैपिटल माइनस करके हम देख लेंगे कितना डेफिशिट आ रहा है और कितना सरप्लस आ रहा है चलिए करते हैं इसको सॉल्व चलिए फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल लिख लेते हैं दोनों की एक्स की हमें दी हुई है सिक्सटी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड और वाई की गिवन है थ्री थर्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड अब सेकेंड स्टेप में हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे न्यू फर्म की या फिर रिकन्स्टिट्यूट फर्म की वो कितनी आ जाएगी दोनों को हम प्लस कर देंगे सिक्सटी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड प्लस थर्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड टोटल आ गई हमारे पास नाइनटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अब थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू कैपिटल जिसको हम क्या कैसे करेंगे टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमांग जो हमारा एक्स एंड जेड बचे रिमेनिंग पार्टनर है उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ जाएगी फोर इज टू टू या फिर इसको आप कट के लिख सकते हो टू इस टू वन क्योंकि थ्री जो था वो कट गया बाई तो चला गया उसको स्ट्राइक आउट कर दिया हमारे पास न्यू शेयर जो बच गया फोर इज टू टू बच गया उसको हमने काटा आपस में तो बन गया टू इस टू वन ओके तो नाइनटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड को मल्टीप्लाई किया टू से डिवाइड किया थ्री से तो ये हमारा निकल के आ गया सिक्सटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड ये हमारा एक्स की न्यू कैपिटल आ गई और जेड की न्यू कैपिटल आ जाएगी 99,600 सिक्स हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई वन अपॉन थ्री ये आ गया हमारे पास थर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड अब नेक्स्ट स्टेप में हम एग्जिस्टिंग कैपिटल जो ऑलरेडी है हमारी एडजस्टेड जो हमने कैलकुलेट की थी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यू कैपिटल से तो न्यू कैपिटल हमारे पास से एक्स की है सिक्सटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड उसमें से उसकी एक्जिस्टिंग कैपिटल है सिक्सटी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड तो जब इनको सब्टैक्ट किया तो डिफरेंस हमारे पास आ गया है 600 हंड्रेड मीन्स एक्स का डिफरेंस आया पॉजिटिव इसका मीन्स है उसकी कैपिटल शॉर्ट है उसको ब्रॉड इन करनी पड़ेगी और कैपिटल ओके सेम वे में ही हम कैलकुलेट कर लेंगे जेड का भी जेड की जो नई कैपिटल है वो है 33,200 और जो एग्जिस्टिंग उसकी कैपिटल है वो है 33,800 वो माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया माइनस में सिक्स हंड्रेड तो इसकी सिक्स हंड्रेड ऑलरेडी एक्सेस है सरप्लस कैपिटल है ओके okay? तो लास्ट स्टेप में हम जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे इसकी तो जो हमारा एक्स है वो तो कैपिटल लेकर आएगा उससे हमें कैश मिलेगा तो एक्स के जनरल एंट्री क्या बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में भी सिक्स थाउजेंड जाएगा क्राइट में भी सिक्स थाउजेंड जाएगा और नरेशन आ जाएगी बींग द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल बॉट इन बाय एक्स सेकेंड जनर एंट्री हम रिकॉर्ड कर देंगे सेम डेट में फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड नाइनटीन में वो हमारी आ जाएगी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्योंकि जेड की सरप्लस है हमारे पास उसको हमने पैसे देने हैं तो ये हमारे पास डेविड कॉलम आ जाएगा सिक्स हंड्रेड और अकेट में आ जाएगा सिक्स हंड्रेड रेशन आ जाएगी बीइंग द एक्सेस कैपिटल विड्रॉन बाय जेड अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज कमेंट कीजिए हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए फेसबुक पर हमें मैसेजर पर मैसेज कीजिए या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे ठीक है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और लेडीज़ के साथ जितना ज्यादा हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड नाइट जब भी आप वीडियो को देख रहे हो सत अकाल